राज्य सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नियत ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी क्यों बनाई गई? ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था, वहां अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के भावनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीति खराब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी डटी हुई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोड के मुद्दे को सामने लाई है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई।